नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 26 मई, चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बीते दिन तीसरे अपडेट तक 163 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 2737 हो गई थी। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो भोजपुर में 7, सारण में 3, गोपालगंज में 3, मधुबनी में 10, खगड़िया में 3, शेखपुरा में 1, समस्तीपुर में 1, लखीसराय में 1, औरंगाबाद में 2, बेगूसराय में 17, कटिहार में 11, मुंगेर में 2, दरभंगा में 13, अररिया में 6, मधेपुरा में 1, सहरसा में 21, रोहतास में 1, अरवल में 3, भोजपुर में 6, भागलपुर में 3, सुपौल में 3, सिवान में 2, पटना में 11, नालंदा में 1, वैशाली में 9, गया में 4, वेस्ट चंपारण में 5, सीतामढ़ी में 11, मुजफ्फरपुर में 1, औरंगाबाद में 7 मामले पाए गए हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 729। बिहार में जहां एक तरफ कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा बीते दिन जारी किए गए आंकड़े के अनुसार बिहार में अब कोविड-19 की परीक्षा को पास करने वालों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत यह आंकड़ा 729 पर पहुंच गया है। इन सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं पाए जा रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द कोविड-19 की जांच में बढ़ोतरी करने का भी ऐलान कर चुकी है। क्वारंटाइन केंद्रों पर भी पढ़ी गई ईद की नमाज। बीते दिन देशवासियों ने धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया था, जहां पर इस बार कोविड-19 की वजह से सभी लोगों को घर में ही रहने की नसीहत दी गई थी। इसी क्रम में क्वारंटाइन केंद्रों पर रह रहे मुस्लिम भाई बहनों ने वहीं पर अपनी ईद की नमाज अदा की। हालांकि इसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। इसके साथ ही सभी क्वारंटाइन सेंटर में बिहार प्रवासियों के लिए खास व्यवस्था की गई, जिसके तहत सभी लोगों के लिए खास व्यंजन भी बनाए गए थे, जिसके तहत बिहार के समस्तीपुर, नवादा, किशनगंज, गया सहित कई जिलों के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में भी धूमधाम से मनाई गई। IPRD विभाग ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों की जारी की सूची। IPRD ने बीते दिन बिहार वापस लौटे प्रवासियों और आने वाले दिनों में लौटने वाले प्रवासियों की सूची जारी की है, जिसके तहत 2 मई से 23 मई तक 805 ट्रेनों से अन्य राज्य में फंसे 11,38,594 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं 23 मई से अगले 7 दिनों में और भी मजदूरों के आने की संभावना है, जिसके तहत आने वाले दिनों में 1,281 ट्रेनों से 19,23,994 बिहारी प्रवासी व्यक्तियों के बिहार में आने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शामिल किया गया देश के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाल ही में फेम इंडिया और एशिया पोस्ट सर्वे 2020 की सूची में टॉप 50 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16वां स्थान दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर विराजमान है। जारी किए गए सूची के अनुसार नीतीश कुमार ने इसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, रामदेव बाबा, अभिनेता अक्षय कुमार और जेपी नड्डा जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। बिहार सरकार अप्रवासी मजदूरों को वाहन मालिक बनने का दे रही है अवसर। दूसरे राज्यों से अप्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बिहार सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जिसके तहत प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाना फिलहाल बिहार सरकार की सूची में प्राथमिकता है। इसी क्रम में बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बीते दिन प्रवासी मजदूरों को राज्य में वाहन चलाकर परिवार चलाने की नसीहत दी है और साथ ही यह भी कहा है कि जो भी लोग ऐसा करना चाहते हैं उन्हें खुद का वाहन भी मुहैया करवाया जाएगा, जिसके लिए अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन भर दिया है। आज दोपहर में जारी हो जाएगी मैट्रिक के रिजल्ट। मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट को जारी करने के लिए आधिकारिक सूचना दे दी है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने औपचारिक तौर पर कह दिया है कि आज दिन के 12:30 बजे मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब सभी परीक्षार्थी अपना रिजल्ट www.biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर या फिर bsebbihar.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार में गर्मी से हुआ लोगों का बुरा हाल। बिहार में गर्मी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन मौसम और ज्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है। खबरों की माने तो बिहार में उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 26 मई से 44 डिग्री के पार तापमान रहने की संभावना है। हालांकि बंद की वजह से गर्मी की तीव्रता थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलकर राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो इसमें गया का नाम शामिल है। बीते दिन गया में 42.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी को लेकर उठाया अहम कदम। प्रवासी मजदूरों की नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार आए दिन उनसे क्वारंटाइन सेंटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते रहते हैं। वहीं इसी बीच सरकार ने प्रवासी मजदूरों की नाराजगी को कम करने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें यह ड्राफ्ट बीमा, आवास और सामाजिक सुरक्षा के अन्य पहलुओं के रूप में प्रवासियों के हित की रक्षा करेगा, जिसके तहत बिहार सरकार दूसरे राज्यों से सुनिश्चित कराना चाहती है कि अगर मजदूर वापस दूसरे राज्य का रुख करते हैं तो कंपनी मालिकों को उन्हें सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए अधिकारियों ने प्रवासियों का आधार कार्ड डिटेल और साथ ही स्किल मैपिंग की सूची रिपोर्ट के अनुसार इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।
चिराग पासवान ने बिहार की बेटी ज्योति को साहसिक पुरस्कार से सम्मानित करने का किया अनुरोध। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने बिहार की बेटी ज्योति के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। हरियाणा से साइकिल पर अपने पिता को लेकर दरभंगा पहुंची ज्योति की सराहना हर ओर की जा रही है। वहीं अब इसी संबंध में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने उन्हें अगले गणतंत्र दिवस पर मिलने वाले साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की मांग की है, जिसके तहत चिराग पासवान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। सिर्फ चिराग पासवान ने ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी ज्योति की मदद करने की घोषणा की थी। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग अब मास्क पर भी बिखेर रहा है अपनी रौनक। विश्व प्रसिद्ध बिहार के मधुबनी पेंटिंग कोविड-19 के इस माहौल में मास्क पर भी अपनी छवि छोड़ रहा है। सीतामढ़ी की जीविका दीदियों द्वारा बनाए जा रहे मास्क पर मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों की माने तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग वाले कला से अब तक 70,000 से ज्यादा मास्क तैयार किए जा चुके हैं, जिसका वितरण भी किया जा चुका है। वहीं जीविका दीदियां दिन रात लगकर ज्यादा से ज्यादा मास्क बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए टास्क फोर्स का किया गया गठन। बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के रोजगार सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। वहीं इसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया था, जो कि अब मजदूरों के साथ मिलकर उनके स्किल के बारे में जानकारी लेकर इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि बाद में उन्हें मजदूरों को उनके स्किल के हिसाब से रोजगार मुहैया करवाया जा सके, जिसकी जानकारी जदयू नेता नीरज कुमार ने दी है और कहा है कि इसके अलावा मनरेगा और सात निश्चय योजना के तहत इन प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। मजदूर रामपुकार से तेजस्वी यादव ने की बात। बीते दिन सोशल मीडिया पर मजदूर का चेहरा बने रामपुकार की तस्वीर तेजी से हर मीडिया हाउस के सुर्खियों में देखने को मिल रही थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मजदूर रामपुकार से संपर्क साधा और उनसे बातचीत की है। साथ ही उन्होंने बेगूसराय के रहने वाले रामपुकार पंडित से काफी देर तक इस बात पर चर्चा भी की है, साथ ही उनके जज्बे को भी सलाम किया है। वहीं उन्होंने रामपुकार को बिहार में रोजगार मुहैया करवाने का वादा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में मजदूरों के साथ हमेशा राजद खड़ी है। इतना ही नहीं, इस साल विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मजदूरों के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बिहार में नहीं होगी ऑनलाइन वोटिंग। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने मगर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में विधानसभा चुनाव के आयोजन में परेशानी होने की संभावना जताई गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन ऑनलाइन वोटिंग की संभावना को व्यक्त किया था, जिसको खारिज कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार देश में सभी ऑनलाइन वोटिंग की संभावना नहीं है और न कोई नियम है और न ही इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है। सिर्फ निर्वाचन आयोग ने ही नहीं बल्कि राजद के मुख्य प्रवक्ता मनोज ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री जी हवा में बात करें, सिर्फ यही करने से वोटिंग नहीं हो जाती है, देश में ऑनलाइन वोटिंग संभव ही नहीं है। बिहार सरकार किसानों के हित में कर सकती है कुछ अहम ऐलान। किसानों के हित के लिए बिहार सरकार जल्द ही कुछ अहम ऐलान कर सकती है, जिसके तहत खबरों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद सरकार टॉप टू टोटल योजना के तहत जल्द से जल्द स्थापित करने जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और किसान की परेशानी भी कम होगी, जिसके लिए बिहार ने भी हामी भर दी है और बिहार सरकार जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने दे दी है। BCEB इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के स्क्रूटनी की तारीख में हुई बढ़ोतरी, जिसकी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि 2020 में सम्मिलित विद्यार्थियों को अगर उनके उत्तर पुस्तिकाओं में किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता लगती है तो वह 3 जुलाई तक अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके पहले आखिरी तारीख 25 मई को तय की गई है। वहीं बिहार बोर्ड ने यह भी बताया है कि प्रत्येक विषय पर छात्रों को अब ₹70 देने होंगे, उसके बाद ही उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी होगी, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन भरना होगा। बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग में आवेदन भरने की तारीख बढ़ी। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सिटी मैनेजर के 163 पदों पर आवेदनों की मांग की थी। खबरों की माने तो यह सभी पद सिटी मैनेजर के लिए जारी किए गए थे, जिसके लिए अब सभी इच्छुक उम्मीदवार 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आखिरी तारीख 27 मई तक तय की गई थी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट urban.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आइसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाने का जारी किया गया आदेश। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार लगातार अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाए जाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी बिहार लौट रहे हैं और आने वाले समय में उनके लौटने की और भी संभावना है। ऐसे में विभिन्न जिलों में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या को बढ़ाया जाना जरूरी है। साइकिल से दरभंगा पहुंची ज्योति की शादी का जिम्मा उठाएंगी राबड़ी देवी। हरियाणा से दरभंगा तक साइकिल पर पहुंची ज्योति की चर्चा देश से लेकर विदेश तक हो रही है। वहीं ज्योति की मदद के लिए कई सारे नेता भी सामने आ रहे हैं। बीते दिन जदयू के नेता द्वारा ज्योति की शिक्षा व्यवस्था का भार उठाए जाने के बाद अब राजद नेता राबड़ी देवी ने ज्योति की शादी की जिम्मेदारी उठाई है, जिसके तहत बीते दिन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने ज्योति और उनके परिवार वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी न सिर्फ ज्योति के परिवार को आर्थिक मदद देगी बल्कि शादी का खर्चा भी उठाएगी।
होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को हर दिन जांच करवाने का जारी किया गया आदेश। कोविड-19 की वजह से घरों में रहने वाले लोगों को अब हर दिन जांच करवाना होगा, जिसका आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जारी किया है, जिसके तहत बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी करते हुए होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की रोजाना जांच करवाने का आदेश जारी किया है। अगर किसी व्यक्ति में इस दौरान लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, उनकी जांच करवाई जाएगी, क्योंकि बिहार में लगातार कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की भविष्यवाणी। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के माहौल में सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य कमान संभाल रहे हैं, लेकिन इनको लेकर जनता में अविश्वास भर चुका है, और यही कारण है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है। इसलिए संभव है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न हो। बिहार के मखाना से कोविड-19 को हराने में मिलेगी मदद। बिहार का मखाना अब दुनिया भर के लोगों को कोविड-19 से सामना करने की ताकत देगा, क्योंकि मखाना में वो हर जरूरी विटामिन पाया जाता है जो किसी व्यक्ति को कोविड-19 से सामना करने के लिए जरूरी होता है। वैज्ञानिक का मानना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह सहायक होता है। इसके साथ ही दिल के मरीजों को राहत देने वाले तत्व भी होते हैं, और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब मखाना की ब्रांडिंग के साथ ही निर्यात का ऐलान कर दिया है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। बिहार में सोनू सूद की मूर्ति बनवाने की हो रही है तैयारी। सोनू सूद की हाल ही में एक शख्स ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में लोग उनकी मूर्ति बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सोनू सूद ने कई सारे बिहारियों को महाराष्ट्र से उनके घर पहुंचाने का काम किया है, जिसके बाद सोनू सूद ने अपना रिएक्शन दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाई, जिन पैसों से मेरी मूर्ति बनवाने का काम किया जा रहा है, उन पैसों से गरीबों की मदद करना। बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्ला निकले महेंद्र सिंह धोनी के फैन। भारत में आए दिन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कई तरह की आलोचनाएं देखने को मिलती है, मगर बाहर से खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। इसी क्रम में बीते दिन बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्ला ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को MS धोनी से कुछ न कुछ सीखने की सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वह न सिर्फ धोनी के शांत स्वभाव के फैन है, बल्कि धोनी की बल्लेबाजी भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने कई बार धोनी की बैटिंग देखने के लिए लाइव तक देखा है। वहीं उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा धोनी की पारी को कंट्रोल करने की कला उन्हें पसंद है। रिलायंस जियो मार्ट वेबसाइट को किया गया लॉन्च। रिलायंस जियो ने ई कॉमर्स पोर्टल जियो मार्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से कंपनी को सर्विस पिन कोड से ऑर्डर मिलना भी शुरू हो गया है। खबरों की माने तो कंपनी वेबसाइट पर उपलब्ध सामान को लिखे गए दाम से 5 रुपए कम कीमत पे बेच रही है। वहीं रिलायंस अपने आप से सभी ग्रोसरी का सामान बेच रहे हैं, जिसकी खरीदारी सीधे किसानों से हो रही है। रिलायंस के स्मार्ट से ताजे फल, सब्जी, दाल, चावल, वेज फूड, डेयरी, फ्रोजन की खरीदारी भी की जा सकती है। बस ग्राहकों को अपने जियो मार्ट पर अपने ऑर्डर को देना होगा या फिर व्हाट्सएप नंबर 8850008000 पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उदयकांत यादव, शत्रुघ्न पांडे, दीपक सिंह, मनोज प्रभाकर, सुधीर कुमार, उपेंद्र मांझी, श्याम कुमार, ऋतिक कुमार, मुन्ना कुमार, मुन्ना राय, मोहम्मद सुल्तान, राजेश कुमार, चंदन कुमार, पवन कुमार, मुलायम यादव, गुलशन कुमार, दिनेश कुमार, जयप्रकाश यादव, दीपक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोविड-19 के इस माहौल में किसानों के उत्थान के लिए आपके अनुसार बिहार में सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।